एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग, लोकसभा चुनाव को लेकर इस जंग को देखने के लिए भारत की जनता अब सबकी नजरें इस पर ही टिकी है। भारत की जनता की निगाहें इस पर टिकी है, एनडीए वर्सेस इंडिया की जो ताबड़तोड़ लड़ाई होने वाली है इस बार के लोकसभा के इलेक्शन में। आम चुनाव को लेकर देश में माहौल बन चुका है, सरगर्मी तेज है और एनडीए और इंडिया की लड़ाई का जो रिस्पॉन्स है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर होने की संभावना है। आज जो सर्वे सामने आया है मेगा ओपिनियन पोल को लेकर, इसमें चुनाव में किसका जलवा, एनडीए ने नारा दिया ना कि आपकी बार 400 पार, क्या 400 पार सीटें आ रही हैं? तो जी हाँ, मेगा ओपिनियन पोल में 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, 411 सीट, 543 लोकसभा की सीटें हैं और इसमें 411 सीटें एनडीए को मिल गई और जो बची हुई सीटें 105 सीटें इंडिया को, यानी कि खाता खुला है, 100 से ज्यादा का आंकड़ा भी टच किया है, 105 सीटें इंडिया को मिल रही है। लेकिन यहां पर एनडीए के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स और कह सकते हैं एक बहुत बड़ी राहत की खबर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार 400 पार और यहां पर मेगा ओपिनियन पोल में 411 सीटें भी आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें, कितनी सीटें आएंगी, क्या 370 का जो एक टारगेट है वो अचीव कर लेंगी, उससे ज्यादा लाएंगी या उससे कम हो जाएगा। इस प्लेट में अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफिक्स में, तो यहां पर मेगा ओपिनियन पोल में जहां एक तरफ पूरे एनडीए को देश के अंदर, भारत के अंदर 411 सीटें मिल रही, तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें लाएगी सर, 350 सीटें बीजेपी के पास। और ये देखिए, आप कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दिखाया गया है, जहां पर बीजेपी की सरकार भी है और वहां पर कितनी सीटें आ सकती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहते हैं कि दिल्ली के सियासत का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यूपी में 80 सीटें हैं, 77 सीटें यूपी में आई। इसके बाद मध्य प्रदेश, नई नई सरकार बनी, मोहन यादव सीएम बने, 28 सीटें पूरी आ गई वहां पर। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आ रही है बीजेपी को, बिहार में बात करें 38 सीटें बिहार में भी आ रही है और झारखंड की बात करें 12 सीटें लोकसभा की बीजेपी ले जाएगी और टोटल कहे तो 350 सीटें ही बीजेपी को मिलती दिख रही है। और यहां पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को 50 की सीटें आसपास 50 सीटें आ सकती है, ये मेगा ओपिनियन जो सर्वे एजेंसी जिसने किया है वो हमें बता रहा है, ये आंकड़े अनुमानित है। लेकिन यहां पर 400 का जो आंकड़ा था वो टच कर गई, पार कर गई और इंडिया के खाते में 105 सीटें। आपको क्या लगता है मेगा ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आए हैं ये आने वाले चुनाव के नतीजे हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.